हाँ भाई, अब मैं तेरे को बता देता हूँ कि तेरे को आना कहाँ है। कहाँ? जाटी के माँ आ जाइए, तन कृष्ण श्याम दिखा दूंगा, तीन गाड़ से परवा पछवा सबत का मैं दिखा दूंगा, तीर्थ धाम बहे जड़ में तन जमुना धाम दिखा दूंगा। बहन, जो बातें तेरे को मैं बता रहा हूं, चार बातें तो तेरे को बता दी, इन में से तो एक भी दुख नहीं बताया। यो भी दुख कोन्या, यो भी दुख कोन्या, यो भी दुख कोन्या, तो फिर दुख तेरे कौन सा से? ये समझ में नहीं आ रही मेरे। औरत जाति का जितना दुख होया कर, सारा दुख तेने बता दिया। इनमें कोई दुख नहीं, तो फिर सुन ले, दुखा के नजदीक पहुंच गया। औरत जाति के लिए इससे बड़ा शब्द कोई नहीं होता, मजबूरी होगी मेरी, कह रहा हूं मैं, सुन ले मेरी बात। बता दे, ये सुबक सुबक कह रोण लागरी के बाप मर्याई से याने का, खोल के कहते कोई काम नहीं शर्माने का, ईशा उषा मन मत ना समझे मैं सुमानस ठोड़ ठिकाने का, ईशा उषा समझे मैं मानस थोड़ी काड़े का, ये पान ची में रहन लाग गया श्री मंगे राम सुसान का, पान ची में रहन लाग गया मंगे राम सुसान का, मोटर चलाई पहले क्या किया कर क्या, और बाद में क्या करने ला गया, पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया। हाँ भाई, ले गोदी में रोन लाग रही, ले गोदी में रोन लाग रही के तेरे सर पे धनी घुसाई ना, डेढ़ पैर में ना आए न होलिया तने तोसक दरी बिछाई ना, मैं तीन रोज का भूखा सू मन रोटी तक भी खाई ना, तेरे दोरे ठहरन आया मन तू भी सुखिया पाई ना। बेबे हुई कनार पसीना सुक्या सर्दी बड़ी बछेरे में, एक गहरा के दुख दूर करूं सुया ताकत से मेरे में, बता क्या दुख है? इनमें कोई दुख नहीं है मेरे। तो तेरा कौन सा है वो बता दे, मैं पूछा था अभी। हाँ, के सुबक सुबक कर रोन लाग रही के बाप मर्याई सियाने का। बस बस भाई, यही दुख से, यही दुख से भाई, दुख की आंगली के ऊपर टेक दिया आंगली, दुख की जगह से या। जब यह बात से देखिए बहन, हाँ, जो संसार से इंसान चला गया उसको तो कोई वापस ला नहीं सकता। बाकी इतनी बात जरूर कहता हूं कि ता जिंदगी मेरे लायक कोई भी सेवा कोई भी मदद तेरे को चाहिए तो ये तेरा भाई तैयार है, आधी रात ने बोल दिए तेरे पास खड़ा पाऊंगा। और बोल क्या चाहिए तेरे को? देख भाई, ये जो नगरी है, ये नगरी है, इसका नाम है तमोल नगरी। तमोल नगरी। और इसका जो राजा है, हाँ, श्याम धाम, राजा का नाम श्याम धाम है, उसकी लड़की अपने पुराने किले के अंदर घूमने के लिए गई थी। राजा की लड़की पुराने किले में घूमने खातर गई थी? बिल्कुल। तो तेरे के दिक्कत से? तो उस लड़की पे किसी राक्षस ने अपना साया डाल लिया।
लड़की पे किसी राक्षस ने अपना साया डाल लिया। बिल्कुल, मतलब उस लड़की को राक्षस ने अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया जी। तो उस दिन से हर रोज उस राक्षस की भेंट में एक आदमी गांव गल जाता है। 12 साल पहले मेरे पति उस राक्षस की भेंट में गए थे। अच्छा, आज 12 साल में फिर मेरे घर का नंबर है। मैं इसलिए रोने के लिए लाग रही हूँ। और मेरे एक ही बेटा है, मैं इसको देख देख अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सहारा नहीं है, इसलिए यही मेरा रोने का कारण है। रोने का कारण यह है कि 12 साल पहले तो इसका पति उस राक्षस की भेंट में चला गया, आज दोबारा इसके घर का नंबर आ गया तो इसके बेटे को जाना पड़ेगा। अब ये तो अकेली रह गई। बहन, मैंने अभी तेरे को वचन दिया था, और वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बहन, तेरे को वचन दिया था कि जो भी मेरे लायक मदद होगी मैं करूंगा, और इतना विश्वास रख कि जब तक मेरे शरीर के अंदर एक एक सांस बचेगा, इस तेरे बेटे को गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगा। और बता, टेम हो गया है सजनों, उस बच्चे का किले में जाने का समय हो गया था। बठियारी और राजा वीर विक्रमाजीत बात कर रहे थे। लेट होने पर राजा श्याम दा ने अपना हलकारा भेजा कि जाओ उस बठियारी को और बठियारी के बेटे को, दोनों को लेकर के आओ, किले में जाने का टाइम था, आया नहीं अभी तक। रेल करन, हेलो, अरे उस बठियारी को बुला करके ले आओ, किले में उसके लड़के का जाने का टाइम था, अब ये टाइम खराब हो गया है। इधर सुने कहता रहे फालतू हो रहे, बठियारी ने बुला लिया दरबार में भाई, और कहनी हो सो कह लेगी सरकार में भाई, या दुनिया पढ़ के सो लेगी, आन के अपना दुख रो लेगी, भाई रांड न पुती हो लेगी घड़ी चार में भाई, और कहनी हो सो कह लेगी सरकार में भाई, ना दुख दर्द अंगेजा जागा, पकड़ काल जा सेक्या जागा, भाई उसका लड़का भेजा जागा कारागार में भाई, और कहनी हो सो कह लेगी सरकार में भाई। मामला और तरह का छिड़ रहा से, पासा कर्मा का पड़ रहा से, भाई किले का रुख का पड़ रहा से संसार में भाई, और कहनी हो सो कह लेगी सरकार में भाई। काग के दौरे हंस के दौरे, काग के दौरे के शाल रहे से, अनसा की के कदे चाल रहे से, और मांगे राम का ख्याल रहे से प्रचार में भाई, और कहनी हो सो कह लेगी सरकार में भाई। जल्दी जा उसके लड़के को बोल के ला, अरे तुरंत। अच्छा, तो गरम गरम होके जाऊ? गरम होके एकदम डांट मारना। वाजी विधायक जी, वाजी वाह, ये वाह। माननीय श्रीमती मंजू चौधरी हमारे इस इलाके के अंदर इलाके की शान है, जो हर साइड से इलाके की मदद के लिए तैयार रहती हैं। अपनी तरफ से 500 रुपये हमारी पार्टी के लिए देती हैं, और एक पिप्पा घी का मंदिर में। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भटियारी बेशक, देख भाई, हाँ बहन, आ गई है मेरे बेटे को लेने के लिए। चिंता मत करे, तू इस तरह आराम से बात कर, मैं देख लूंगा आप पाई। हराम जादी, देखिए मुझ पे दया कीजिए, तेरे लड़के का किले का टाइम है। कौन है तू? तू कौन है? मैं तो चाहे जो भी, तूने हाथ कैसे लगा दिया इसको? अरे हम यहाँ के हलकारे है। अड़खारे है तो तेरा घर का न खा। हड़काए नहीं तो, यहाँ के संतरी। फिर क्या करेगा? इसको ले जाऊंगा, इसके लड़के को मैं ले जाएगा, आराम से बोल के भी ले जा सके हैं। तेरे को हाल लगाने का अधिकार किसने दिया? मैं, मेरी ड्यूटी है ये। तेरा हाल लगाने की ड्यूटी से मैं इसको मार भी सकता हूँ। मारिए, लगाइए, पीट भी सकता हूँ, लगाइए, इतनी मैं अथॉरिटी रखता हूँ। हाँ तो आके ना। नकली दांत आपने यो दरियार और लीजिए आके। महाराज, क्या बात हुई? नौकरी से इस्तीफा। क्यों? क्यों कारण? भटियारी जो है, अच्छा,
उसके पास कोई गैर आदमी है जी, और उसको ये कहता है कि मैं इसको नहीं जाने दूंगा, तो मेरे मारा है उसने महाराज। तो आपने नौकरी का रोब दिखाया होगा? रोब तो दिखाता ही हूँ। नहीं, रोब नहीं दिखाना दे। क्यों? आप पैसे लेते हैं। हाँ, सभ्यता से बात। रोब के ही तो पैसे लेता हूँ मैं, और कैसे लेता हूँ। तो रोब के पैसे लेते हो जब? हाँ। तो पिटते हो आप। ठीक है, तो आप जाइए, मुझे पिटना नहीं है। क्यों? रोब नहीं करना चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए। बठियारी, प्रणाम महाराज। खुश रहो। देखिए महाराज, हाँ, मेरे न कोई सासू है न कोई जिठानी है जी, मैं मेरे बेटे के सहारे अपने दिन काट रही हूँ। अच्छा, आप मुझ पे रहम कीजिए। बठियारी, हेलो बठियारी, मेरे एक ही लड़का है। बठियारी, ये तो मैं भी मानता हूँ तुम्हारे एक लड़का है। हाँ, दिल तो मेरा भी दुखता है, पर लेकिन ये मेरी नगरी का सिस्टम है, ये मेरी नगरी का सिस्टम है। आपके लड़के को जाना होगा ड्यूटी, ड्यूटी ऑर्डर ऑर्डर। देखिए महाराज, आज तू कह रही है मेरे एक है, कल गुजरा के कह देगा मेरे एक से, कल खातिया के कह देगा, दानका के कह देगा, कुमारा के कह देगा, ये चलने वाली बात नहीं है। मेरे बेटे के बदले आप और किसी को भेज दीजिए। मैं किसको भेज दू, तेरा बेटा ही जाएगा। माता जी। हाँ बेटे। क्यों रोती हो? ये तो बहुत अन्याय राजा है। हाँ बच्चे। हाँ, बकवासबाजी करता है। क्या कहना चाहते हो? किसी पे दया नहीं करते। क्या कहना चाहते हो? पत्थर दिल है, देखिए दुनिया में से बड़े बड़े चले गए, मेरी तो औकात ही क्या है। बताओ। हाँ। मरना तो सब कोई है। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, परसों। हाँ बताओ, जरा सुन ले। दाताराम जी नैन से, दाताराम जी 200 रुपए प्रदान करते हैं, 100 रुपए तो पार्टी के लिए, और अच्छा 200 रुपए पार्टी के लिए प्रदान करते हैं दाताराम जी नैन से। बोरा जी मुकदम सुन ले माता जी। हाँ। अए जननी सबने, बहुत अच्छे बेटे शाबाश की बारे, ओ मरना सेरी आए जित राजा अन्याई हो उड़े जी के करना सेरी। शंभू मनु उचानी पात प्रिय परती रहे ना दुनिया में, ओ सूर्य गला हो करी घुमाई, ओ अर्थ रहे ना दुनिया में, ओ सूर्य गला करी घुमाई, वो रख रहे ना दुनिया में। राम लक्ष्मण हो शत्रु गनिमा, ओ भरत रहे ना दुनिया में, ओ श्री कृष्ण अर्जुन योद्धा जे जय भरत रहे ना दुनिया में, श्री कृष्ण विष्ण भरत जय भरत रहे ना दुनिया में। पैदा सोना ओ पेदी बता के छाती पे धरे ना सेरी, ओ जित राजा अन्याई हो जी के करना।
बजा दो। हरी देश पर गना धरती पर जिले गए काम शहर वाले देश पर गना धरती पर जिले गए महली बावड़ी हो बागी बावड़ी ये चक्र बहू से किले गए हो कुंभ करने रावण रावण वो चाड़ी की चक्की तड़ गए कुंभकर्ण आई रावण रावण चाड़ की चक्की गए आदम देने वो जन्म दारी के पेट कड़ पर लाती राजा करना से सुन ले, ओ
भी समसुमन मल मल खुबनानी तेरी माँ मैं राम चंद्र तू ओ बिलनी से मने छिक छिक बेरे खान देना मैं राम चंद्र तू बिलनी से मन छिक छिक बेरे खान देना मत ना रोवे ओ दिल टूट से हट जाई बरहन तेरी माँ ओ जिस जगह मेरा बाप गया उसी जगह जान देना उसी जगह मेरा बाप गया है उसी जगह जान करते पोषा कर तेरी ना सेरी तू गंगे में भी समसू मैंने मलमल खूब ना आने तेरी माँ मैं रामचंद्र तू भिलनी से मैंने चिक चिक बेर खान तेरी माँ मत ना रोवे दिल टूटे से हट जा इब्रहन तेरी माँ जिस जगह मेरा बाप गया उसी जगह जान तेरी माँ हाँ। दादा मंगे राम शुभ कर्म करे तैबो शाकर तिरना से और जित राजा अन्ना योड़े जी के करना से। और इसी बीच जो मैंने पहले भी अनाउंस किया था हमारे बीच में ये आम आदमी पार्टी से माननीय श्रीमान रविंद्र जी उर्फ मटरू हमारे बीच में विराजमान है। इनका भी हमारे इस मंदिर प्रांगण में सम्मान है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। राजा है जी, लेकिन आप भठियारी के बेटे को उस राक्षस की भेंट में भेज रहे हैं जी। क्या इस भठियारी के बेटे के बदले में और कोई नहीं जा सकता? देखिए हाँ, जो मेरी नगरी का सिस्टम है जी, जो मेरी नगरी का तो यही जाएगा। हाँ, अगर कोई मेरी नगरी का नहीं है और मरना चाहता है, अलबत्त तो कोई मरना नहीं चाहता जी। महाराज मैं ना आपके नगरी का हूँ और ना आपके राज की सीमा का हूँ, इस भठियारी के बेटे के बदले में आज मैं उस राक्षस की भेंट में जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि मैं बिन भाई की बहन हूँ, तुमने मुझे बहन कहा है। अच्छा, और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जो भी किले की भेंट में गया है वो जिंदा वापिस आया नहीं है भाई। वहां कोई रुपया गिलास नहीं मिलेगा, वहां खत्म हो गया। और दूसरे के बदले तू जाता है ये सोच ले। मैं अपने बेटे के सिवा किसी और को नहीं मार सकती भाई। अरे बहन क्यों चिंता करती है तू, तेरा बेटा भी जिंदा रहेगा और तेरा भाई भी जिंदा रहेगा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब होगा। अच्छा, और तू के सोचे समय उड़ जाके मर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, सुबह वापस भी आऊंगा तेरे पास में। तो भाई तेरे जा मरने की इच्छा है, धाप क्या है जीने से, तो किले की भेंट आप जा सकते। बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, और जाने से पहले बहन सुन ले मेरी एक बात। हाँ। तेरे को भी बता करके जाता हूँ। सुनिए बहन। हाँ भाई। ये माननीय सरपंच साहब श्रीमान दाताराम जी ढाकोड़ा से, जो अभी इस बच्चे ने रागनी गाई है, इस रागनी के ऊपर 200 रुपए सम्मान किया है सरपंच साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बहन बताता हूँ। और कोई प्रसाद नहीं लिए तो ले लो, चल लो। ये अभी अब मैंने जो अनाउंस किया था